नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी पर्व पर बहुत बहुत बधाई। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में विभिन्न जगहों पर रावण के बड़े बड़े पुतले लगाकर उनमें दहन किया जा रहा है और संदेश दिया जा रहा है कि बुराई का अंत होकर रहेगा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता आज दशहरा समारोहों में शामिल हुए। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का भी विधान है, इसलिए जगह जगह शस्त्र पूजा कर शक्ति का वंदन भी किया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर और हिमाचल के कुल्लू के दशहरे की भी आज रंगत देखते ही बन रही है। रामनगरी अयोध्या की छटा भी आज खूब निखरी हुई है। हम आपको बता दें कि यह पहला दशहरा है जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। आइए आपको लिए चलते हैं दशहरा पर्व पर किए जा रहे आयोजनों की झलकियाँ और राजनेताओं के संदेश दिखाते हैं। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। मैं इस वक्त रामलीला मैदान पटपड़गंज में दशहरा मैदान में हूँ और यहाँ पर कामधेनु रामलीला समिति, जिसके कर्ता धर्ता हमारे कुलदीप भंडारी जी हैं, इनके द्वारा ये दशहरा मेला का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर रावण को रखा गया है, रावण के पुतले लगाए गए हैं कुंभकर्ण के, और लोग आए हुए हैं यहाँ। मैं इन लोगों को भी और सबको यही कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में, पटपड़गंज में भी और पूरे देश में लोग जश्न मना रहे हैं बुराई पर अच्छाई की जीत का। ये सब लोग यहाँ इस जश्न में शामिल होने के लिए आए हैं। वो चाहे त्रेता युग का रावण हो या कलयुग का तानाशाह हो या कलयुग का रावण हो, वो हारेगा सच्चाई और अच्छाई से हमेशा। और जब जब रावण हारेगा, त्रेता युग का हारे या कलयुग का हारे, जनता ऐसे ही जश्न मनाएगी। अच्छाई पर अच्छाई की जीत होगी, बुराई की हार होगी और लोग इसी तरह से खुश होंगे। दशहरा के अवसर पे हमारे संबलपुर में रावण दहन के कार्यक्रम में मैं आज यहाँ शामिल हुआ। मेरे आत्मियों के साथ मिलने के कारण मेरे मन में बहुत ही उत्साह है। मैं दशहरा की शुभेच्छा सभी को देता हूँ। भारत, हमारे प्रदेश उड़ीसा और हमारी शहर संबलपुर भी और विकास की ओर बढ़े, ये विकसित भारत की मिशन में हम सभी लोग लगे, आज दशहरा की संकल्पना ही। दशमी के उत्सव पर आप देख रहे हैं किस तरह लोगों में जोश है। भगवान राम की आदर्श और मर्यादाओं का अपने जीवन में हम अनुसरण करें, बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक भगवान राम द्वारा रावण का हनन। और मैं समझता हूँ आज देश जिस संतों महापुरुषों ने जिस राम राज की कल्पना की थी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश उस राम राज का सपना हमारा पूरा होता नजर आ रहा है। आज चारों तरफ देश में खुशहाली है, चारों तरफ देश में शांति है और भारत, भारतीयता, भारत के लोगों का सम्मान आज शिखर पर है। यही रामराज की कल्पना हमारे संतों महापुरुषों ने की थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।